हेयर कट करवा लिया, फिर अब उस जिम के बाद यहाँ आ गया था सीधा, कार्डियो करा 50-60 मिनट का, दैट्स इट। एंड अभी जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, देखता हूँ, भी मजा आ रहा हूँ लोखंडवाला साइड। मिलते हैं आप सबसे फिर वहाँ। जो गलती हुई वो हुई, ठीक है, किसी को, अब जैसे सलमान खान भाई ने समझाया है ना, आप ये बात एक बात नोट करना, कोई किसी को भले के लिए समझाता है, ठीक है, नहीं तो कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को समझाए, है ना। गाइस इतनी खुशी वाली बात है ना दीप, कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया, अब बिल्ली का काम हल कर दा मेरे, तेरी पानू तेरी चल चल नुकसान कर दें गड्डी का। सो गाइस 2:30 बजे हैं एंड गियर क्यों नहीं बह रहा, बस निकल रहा हूँ जिम की तरफ क्योंकि सैटरडे को जिम हुआ नहीं एंड कल कुछ यार इतना खास खाया भी नहीं, गलत पॉपकॉर्न जी खाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही होते हैं। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सैंडविच वगैरह खाया, घर पे आके मुसली खाई है फिर मैंने, आप समझ रहे हो। बस चलते हैं जिम एंड जिम के बाद करवाना है हेयर कट, फिर देखते हैं, मिलते हैं आप सबसे, बात भी करेंगे यार आज। आज पहले मेरे को जिम करना है क्योंकि 2:30 बज गए हैं, 4 बजे तक की जिम है एंड कार्डियो ही करना है मुझे, लेकिन लेट्स सी क्या सीन बनता है, पहले चलते हैं। चलो चलो गाइस, गाइस गुड आफ्टरनून। सो गाइस जिम के बाद आई केम फॉर एन हेयर कट, मौसम आप देख सकते हो, हल्के हल्के बादल एंड हल्के हल्के सूरज, समझ रहे हो। और भाई का हेयर कट हो चुका है, नाउ लुकिंग क्लीन एंड ऑल, एंड हेयर कट करा लिया। मैं कहा यार देख तेरे को मैं बताऊंगा कैसे हेयर कट करना है, मैं कहा बस दिक्कत यह है कैंची नहीं आती मुझे चलानी, मैं खुद ही कर लेता, समझ रहा है मेरी बात को। एंड फिर हेयर कट करवा लिया, फिर अब उस जिम के बाद यहाँ आ गया था सीधा, कार्डियो करा 50-60 मिनट का, दैट्स इट। एंड भाई मैं वहाँ पे शेकर रखा, मेरा शेकर ही जाके लै गया भाई, चोर था मैं लभ लूँगा, तुम्हें पता है मैं बड़ा फसी सा इंसान हूँ, मैं अपनी चीज़ें ना ज़्यादा घुमा के खुश नहीं होता, मैंने घुमाई नहीं है लेकिन वो किसी ने चोरी कर ली, शेकर चोरी कर लिया जेड़ा मैं फ्री च लिया सी। इट्स ओके। सो या सो गाइस घर पे जा रहा हूँ, अभी तैयार तैयार हो गया, फिर निकलूँगा एंड देखते हैं कहाँ का क्या प्लान बनता है। आई फील लाइक गोइंग बांद्रा टुडे एंड आई लव बांद्रा, बांद्रा इज माई लव। एंड गाइस आपको ना इस रोड पे दिखाता हूँ, M5 का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, उसको ना ढक के रखा हुआ है, वो वजी साली मींच ही है वो, और टायरों की ब्रेक नहीं लगी और वो कार ज़्यादा स्पीड के साथ वो ना मेरे हिसाब से घूम गई होगी, ये बैक रोड पे आ गए हैं, पर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ वो सीन क्या हुआ होगा, वेट करो। गाइस यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ, हाँ यहाँ पे हुआ था, वो ले गए कार, अब बड़ी जोर ना वजी हुई सी M5, फ्लैट बेड आया हुआ था, वो ले गया कार को, तो तुम मैं दिखाता हूँ हालत की हुई है M5 की। चलो गाइस घर पे जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं त्याग तुर होके। सो गाइस निकल गए हैं त्याग तुर होके, अभी जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, देखता हूँ, भी मजा आ रहा हूँ लोखंडवाला साइड। मिलते हैं आप सबसे फिर वहाँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ गाइस, समझ रहे हो। एंड यार आप सबने वो कल वाला एपिसोड देखा ही होगा, मैं तो कल भी एक्सप्लेन कर रहा था कि यार ऐसी सी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुद्दे वाली बात नहीं, चिल गाइस चिल। तो चलो चलते हैं, मौसम हो गया बढ़िया, बारिश भी कम हुई है आज,
बट इसका मतलब ये नहीं कि बारिश खत्म हो गई है, बारिश होगी, बहुत होगी। गाइस अभी फ्री हुआ था, मीटिंग पे गया हुआ था गाइस मीटिंग वगैरह पे गए रख, ये तो इसको तो मैंने घर से लिया है अभी। मैं तो आ गया था भाई, सो गया था घर पे। सो गया था, लेट गया था मतलब। क्या खाया क्या आज भाई? मैंने वही स्कॉन किया हुआ था। हाँ। तो वहीं पे प्रसाद ऊपर पे लेक्चर वगैरह सुने, फिर वहीं तो तेरा पेट नहीं भर, पेट भरा नहीं उससे? भर गया भाई। फिर अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? तूने कहा आज हम आ गया। नहीं वो तो आ गया, वो तो ठीक है। हाँ। बट अब खाएंगे क्या? कुछ खाना है तो बता। चाय पीने तो चाय पीने चलते हैं, कॉफी पीने तो कॉफी पीने चलते हैं, बूस्ट पीने तो बूस्ट पीने चलते हैं। बाकी तुम कुछ पी के आए हो तो बता दो भाई। मैं पास्ता खा के आया हूं। कौन से कैफे? वाइट लामा में थे। वाइट लामा कैफे मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चल रही थी भाई, तेरे को पता तो है सारी मीटिंग्स पे जो कैफे में करते हैं, ऑफिसेज में कहां मीटिंग होती है, समझ रहे हो? हां सेंड कर दे, हो जाएगा भाई। मैं सब कुछ अभी नहीं बताऊंगा, सीधा सरप्राइज ही दूंगा भाई। वाइट कलर प्रोजेक्ट था ये। वाइट लामा में था ना इसलिए वाइट कलर था ये। नहीं बढ़िया भाई, पर मीटिंग जरूरी है भाई। मीटिंग नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या भाई? मुंबई में मीटिंग से दिल लग रहा है, मैं खुद आता हूँ मीटिंग करता हूँ भाई। भाई यहाँ सब बंदे यार ऑफिसेज में काम नहीं करते, मीटिंगों में काम करते, मतलब यहाँ कैफों में बैठ के काम करते हैं। कैफे में भाई मेरी तो मीटिंग, मेरी तो कितने बार घर में मीटिंग होती है, डायरेक्ट घर पे बुला लेते हैं भाई। कहते घर पे आ जाओ मीटिंग करेंगे, क्योंकि थके हुए होते हैं ना दिन के वो भाई। यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे चक्कर ये है कि यहाँ पे रात को ही मीटिंग्स होती हैं। सही बात है। दिन भर वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स की लोकेशन में लगे होते हैं, रात को फिर मीटिंग करते हैं। अब कब 12 बज गए पता नहीं चला, पता यहाँ 3 बज जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैं सुबह कितने बार, मैं सुबह आता हूँ 7 बजे। चलो कोई गल नहीं, चलो गाइस देखते हैं अब क्या कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद घर निकलना, बिग बॉस भी देखना है यार। बिग बॉस एपिसोड देख रहा था गाइस, मेरे को समझ नहीं आती कि इन जैसे बंदों को लेते क्यों है यार, जगह क्यों खराब करते हो, जबकि दुनिया में हजारों ऑप्शन है, समझ रहे हो? आशिका आई फिर 2 हफ्ते में जा रही है, किसी सही बंदे की जगह खराब हो गई जो कि अंत तक देख सकता था, बट क्या ही कर सकते हैं। बस मेरे को ना थोड़ी ये रॉन्ग कास्टिंग से बड़ी प्रॉब्लम है यार, कि ना कास्टिंग गलत करते हैं, इससे मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो पिछले सीजन में भी कम से कम 4 कास्टिंग गलत थी, फिर प्रतीक वाले सीजन में भी 5 कास्टिंग गलत थी, अब समझ रहे हो? बट ठीक है यार, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, जो जिसकी किस्मत में दाना पानी जहाँ का लिखा वो वहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे हो आप? बाकी यार मेरी मेहनत मशक्कत देखो, बस वही पी है, लेकिन व्यूज़ रिव्यूज़ देने से नहीं पीछे हट रहा है, समझ रहे हो गाइस? देखो जो गलती हुई वो हुई, ठीक है, किसी को अब जैसे सलमान खान भाई ने समझाया है ना, आप ये बात एक बात नोट करना, कोई किसी को भले के लिए समझाता है, ठीक है, नहीं तो कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को समझाए, है ना। एंड समझाया अगर ये गलती उसके घर वालों के सामने भी हुई होती या किसी रिश्तेदार के सामने भी हुई होती तो उसके घर वाले या रिश्तेदार भी समझाते, ठीक है जी, समझाया, ठीक है। और मेरे को बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात ये लगी है कि वो जो बात बोली गई कि 500 वाले सब्सक्राइबर होंगे या ये होंगे, मतलब सब्सक्राइबर्स है, फैंस हैं, भाईचारा है, मतलब कहने का मतलब है ना, ये 500 वाली बात थोड़ी सी मेरे को बुरी लगी। एंड ऑब्वियसली बात है सलमान भाई के भी फ्लो में निकल गया होगा, कोई चक्कर वाली जानी है ना, कुछ आप बातें थोड़ी इग्नोर कर दो, कुछ उनकी कर दो थोड़ी, है ना, ऐसे ही चलेगा सिस्टम, है ना। एंड तो मैं तो आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप सब इसे एक बुरी रात समझ के भूल जाएं, जो कुछ भी हो, गलतियाँ हो जाती हैं, सारों से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे हो आप ना, मेरी फीलिंग समझो। मैं मानता हूँ अलवेश वाला भाईचारा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बड़ा ही कैड़ा सिस्टम है ना, बट आप लोग बड़े बन जाओ ना, किसी को ना गाली दे के, गाली देना सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। मैं गाली फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, गाली देना इज नॉट अ गाली देना, गाली देना मतलब किसी को कुछ किसी चीज़ के लिए भी बुरा बोलना, समझ रहे हो,
क्योंकि मैं जब बोलता हूँ गाली वाली बात तो दुनिया को लगता है कि मैं माँ बहन की गालियां यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ. नहीं, माँ बहन वाली गालियां नहीं रेफर करता. गालियां इज गालियां फॉर मी. गालियां इज मतलब घर वालों ने डांट दिया तो गालियां, किसी से डांट पड़ गई तो गालियां, समझ रहे हो. तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस चीज को बुरी रात समझ के भूल जाए. और यार सबसे बड़ी बात, हाइप बना दी गई कि सलमान खान बोला एलविश रो दिया. नहीं भाई, उसकी मम्मी आई है उनके सामने, उनकी मम्मी आई है, नेचुरली कौन कौन नहीं रोगा रोएगा. अब समझ रहे हो ये मेरी बात. तो जो कोई भी ये सब देख रहे हैं या समझ रहे हैं सिस्टम ये सब, तो बस ये 500 वाली बात बुरी थी. क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता था एलविश कौन है. मेरे को व्लॉगिंग के 4-5 महीने तक भी नहीं पता था एलविश कौन है. अब तो मेरे को साल होने को आया, 15 अगस्त को मेरे को साल हो जाएगा. फिर देखने लगा अज्जू पे, सबसे पहले अज्जू देखना शुरू करा, फिर उसके बाद विकास दयाल देखना शुरू करा, फिर मेरे को पता चला कि इनके ग्रुप का एक एलविश भी बंदा है. एलविश को मैं पता कब से देखना शुरू करा था, जब वो एलविश अपना फॉर्चुनर का नंबर लेने गया था बोली में और उसको मिला नहीं था, तो मैं तब से इनको देखना शुरू करा है. एंड इतना मुझे पता है इनके कट्टड़ फैन फॉलोइंग है भाई, कट्टड़ फैन फॉलोइंग है. और अगर 500 भी बोलोगे ना, ये बंदे 1000 दे के भी सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं, मेरे को इतना भरोसा है. समझ रहे हो, फैंस नहीं है, भाई जा रहा है. जैसे तुम्हारा भाई बोलता ना, फैंस नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है. ऐसे ही इनका ये परिवार है, फैमिली है भाई. बड़ा जलवा है इस बंदे का, समझ रहे हो. बाकी 3:30 हो गए हैं, इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड. एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे. प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें. व्यूज़ दे दोगे तो भी आप सबकी मर्जी, व्यूज़ नहीं दोगे तो भी आप सबकी मर्जी. बाकी आप सब लोग हो तो हम हैं, आप सब लोग नहीं होगे तो हम लोग कहाँ ही होंगे यार. हम काम करेंगे, हमारे काम को नवाजा ही नहीं जाएगा, तो हमारे काम करेगा भी क्या फ़ायदा, है ना. हर एक बंदा चाहता है कोई बंदा काम करे और उसका काम नवाजा जाए. चलिए गाइस, ऐसे ही रह गया सिस्टम. तुम्हारा भाई बोलता है, लेकिन अब तुम्हारा भाई ना थोड़ा मैच्योरिटी से सोचने लगता है चीज़ें. दोनों साइड को सोचने लग गया हूँ मैं पहले ना अपनी साइड ही हमेशा सोचता था, दूसरी साइड मैं कभी नहीं सोचता था. अब मेरे अंदर, मेरे को फीलिंग आती है कि मेरे अंदर ठहराव आ गया है, इमोशनली आई एम एक्टिव, है ना. अब एक तरफ की बात सुनता हूँ, डिसीजन वहाँ नहीं लेता, फिर दूसरी तरफ की बात सुनता हूँ, फिर डिसीजन नहीं लेता, फिर देखता हूँ कि क्या सही हो रहा है, फिर मतलब कहने का मतलब राइट एंड देन वो नहीं है सिस्टम, समझ रहे हो आप. बस मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे एक साथ. राइट एंड देन डिसीजन नहीं लेता या मैं कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही चल रहे हैं. तुम्हारा भाई थोड़ा है ही ऐसे, ठीक है. अब ऐसे ना हुआ हो कि मैं रिकॉर्ड वाला बटन ऑन करना भूल गया हूँ, बट ऐसे होगा नहीं. गुड नाइट गाइज, फिर मुलाकात होगी.